पालघर की तुलिंज पुलिस ने दो राउंड फायरिंग करने के आरोप में दीपक गौतम को गिरफ्तार किया है। दीपक ने रविवार रात को हितेंद्र जोशी पर रिवॉल्वर से दो राउंड फायरिंग की थी। हितेंद्र जोशी ने दीपक की बहन के साथ अंतर जातीय विवाह किया था, जिसे लेकर नाखुश दीपक इसका बदला लेना चाहता था। हितेंद्र जोशी एक लेबर ठेकेदार है जो नाला सुपारा में अपनी पत्नी और मां के साथ रहता है। वारदात को अंजाम देकर दीपक मौके से फरार हो गया। जोशी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। इस बीच सोमवार को दीपक को खार से गिरफ्तार कर लिया गया और आईपीसी की धारा 307 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने दीपक के पास से दो घरेलू रिवॉल्वर और 16 कारतूस बरामद किए हैं।